ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया ए के साथ भी आप लोग मैचेस खेलेंगे, और आपने जैसे कहा कि इंडियन टीम में भी काफी यंगस्टर्स है, तो वो उन मैचेस में यंगस्टर्स को खिला के उनका भी एक एक्सपोजर बढ़ाना वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप चाहते हो कि वो साइकिल जो है यंगस्टर्स का एक्सपीरियंस गेन करने का वो कंटिन्यू होता रहे, वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की हॉकी आपकी फिटनेस और स्ट्रक्चर दो चीजों पे डिसाइड है। आपका स्किल थोड़ा कम होगा तो चल भी जाएगा, बट आपकी फिटनेस और अगर आपको गेम के स्ट्रक्चर के बारे में पता है तो आपके लिए मैच खेलना कहीं आसान हो जाता है बाकी सब चीजों से। तो ऑस्ट्रेलिया है, हॉलैंड है, या फिर इंग्लैंड है, जर्मनी, इनका एक स्ट्रक्चर ही इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर में वो खेलते हैं, तो ए टीम है या उनकी मेन टीम है, उस चीज से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका ग्रास जिस जगह पे उन्होंने ट्रेनिंग की होती है, जब वो नेशनल टीम में आते हैं तो वहाँ उनका वो एक दिखता है। क्योंकि इंडिया टीम में क्या होता है कि जब हम ग्रास रूट पे खेलते थे, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, उनमें उतना ज्यादा नहीं होता है, तो हमारे लिए वो उतना मैटर नहीं करता है कि ठीक है ये टीम है। हमारे लिए, हमारे प्लेयर्स को वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि ठीक है हमारे कोच ने मुझे क्या बोला और आज के मैच में मुझे क्या करना है। और ऐसे मैचेस यंग प्लेयर्स के लिए बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि मैच में गलतियां तो होंगी, मिस्टेक तो होगी, तो टूर्नामेंट से पहले मैच मिलना, ताकि वो गलतियां करने के बाद हमारा कोच हमें यही बात बोलती है कि गलती मेरे लिए डजंट मैटर, पर उस गलती के बाद अपने आप को नेक्स्ट कैसे रीसेट करते हो, या उस गलती को रिकवर करने के लिए या तो उसी उसमें रहो कि मैंने ये गलती कर दी है, पूरे मैच उसी में निकाल दो, या फिर कि कोई बात नहीं, गलती पार्ट ऑफ गेम है और मुझे नेक्स्ट मेरा क्या रिएक्शन हो वो इम्पोर्टेंट है। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा यंग प्लेयर्स के लिए यही एडवाइस रहती है कि आप जी 10 गलतियां करो कोई बात नहीं, पर आप मैच में ऑन द मूव रहना है, उस प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, ना कि गलती हो गया और पूरा मैच उसी में निकाल दें। कुछ हमारे 2-3 प्लेयर्स हैं तो काफी छोटे हैं, वो बोलते हैं कि हम मैच से पहले सोचते हैं अगर पहली बॉल टच अच्छी होगी तो मैं पूरा मैच अच्छा खेलूंगा। हमने बोला वो सब यहाँ से है, वो सब दिमाग से है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ हम अपने आप को प्रिपेयर वैसे करके जाते हैं कि अगर मैंने पहले गोल रोक दी तो मैं पक्का सब रोकूंगी, तो ऐसा थोड़ी, अगर पहला सामने वाला बहुत अच्छा गोल मार के जाता है तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे मैच बाकी खेलना है, तो जरूरी है। और आज यंग प्लेयर्स बहुत टैलेंटेड है आज के टाइम पे, तो टच वुड की वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आगे भी करें, और टीम में जो एक यूनिटी है, बॉन्डिंग है, वो हम बना के रखें। एंड एज अ कैप्टन, अगर आप किसी को नोटिस करते हो कि मैच चल रहा है, बहुत टक्कर वाला मैच चल रहा है, और आपने अचानक से देखा कि कोई प्लेयर अपनी गलती को लेकर उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस लेवल डिप हो रहा है, तो आपका मैसेज अचानक से क्या रहता है? ये टचवुड, मैं अपने आप, मुझे ऐसे लगता है मेरी एक अच्छी बात भी है, मुझे बहुत जल्दी चीजें नोटिस में आ जाती है, अगर कोई किसी भी परफॉर्मेंस को लेके, या समटाइम्स होता है कि आज इवनिंग मैच है और जब भी हमारा दिन में जो भी है टाइम होता है, एक्टिवेशन का टाइम होता है, तो हम एक दूसरे को देखते हैं, मिलते हैं, तो कुछ ना कुछ हो जाता है, कभी कोई चाहिए आपकी मैच की बात है, या कई बार फैमिली प्रॉब्लम हो जाता है, या कई बार आपकी बॉडी साथ नहीं दे रही होती, तो जल्दी जल्दी हो जाता है, और उससे जल्दी से जल्दी बात करने की कोशिश करती हूँ, और सब चीजें कंट्रोल में की जा सकती है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप कंट्रोल में नहीं कर सकते, तो हम एक दूसरे को जितना जल्दी हो सके मैसेज देते हैं। अगर मैं ग्राउंड में भी हूँ तो अगर मैंने देख लिया कि ओके ठीक है, फॉर एग्जांपल स्ट्राइकर है, उसने कंटिन्यू 4 गोल मिस किए हैं, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं अपसेट होगा, बाकी सबसे ज्यादा वो अपसेट होगा, तो एक से दूसरी लाइन, अगर मैंने आगे ग्रेस को बोल दिया, ग्रेस ने आगे मोनिका को बोल दिया, मोनिका ने आगे जो भी है, फॉर एग्जाम्पल श्यामी, उसको कि हमें कोई बात नहीं, छोड़ दे इस गलती को, तो वो वापिस रिफ्रेश हो जाता है कि हाँ मेरा काम क्या है, मुझे वो करना है। कोशिश करते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहने की। नहीं, ये कम्युनिकेशन काफी की हो जाता है, क्योंकि काफी टाइम आप अपने गेम पे ऊपर भी फोकस रखते हो तो आप दूसरे प्लेयर्स को कई बार नोटिस नहीं कर सकते, बट यही खासियत है, इसीलिए आप कैप्टन ऑफ द टीम हो। बट सविता, कौन से एरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे जो इम्प्रूव करना चाहेगी इंडियन टीम एज अ कंप्लीट पैकेज? ओके, हाँ, हमारा जैसे हम पिछले काफी टाइम से जो सबसे दो चीजें हैं, जो अगर बिल्कुल स्पेसिफिक बात की जाए तो पेनल्टी कॉर्नर, अटैक और डिफेंस, हमारा दोनों एरिया जैसे हैं कि हमें उन चीजों पे काम करते आ रहे हैं, और जो कि हमारा अच्छी भी है, बट अगर हम पीछे कुछ देखे हैं तो कि पेनल्टी कॉर्नर अटैक हमारा काफी अच्छी वेरिएशन भी है, डायरेक्ट भी है कि गुरजीत मारती है, इवन ग्रेस भी अच्छा ड्रैग मारती है, अभी नई प्लेयर एक दीपिका है वो भी अच्छा है, अभी ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रही है बट जूनियर एशिया कप में जा रही है, हिट मारने वाले काफी अच्छे प्लेयर है, नवनीत है, नेहा है, मोनिका है, और टच के लिए भी है,
पर शायद वर्ल्ड कप में हमारा उतना अच्छा उसका आउटकम नहीं आया था जो आना चाहिए था, तो हमने सबसे पहले उस चीज के ऊपर बात की। पीसी हमारा आज भी पेनल्टी कॉर्नर आज भी अच्छे हैं, बट वही चीज होती है कि कई बार एक चीज अच्छी नहीं चलती तो सब दिमाग में वो चीज सोचने लग जाते हैं कि हाँ ये अच्छा नहीं हो रहा, तो ऑटोमेटिक थोड़ा ध्यान उस तरफ जाता है। तो हमने वो उस चीज पे बहुत फोकस के साथ इस बार ट्रेनिंग की है, जो पेनल्टी कॉर्नर अटैक है, डिफेंस है, इवन शूट आउट है। तो और दूसरा हमारी जो प्लेयर्स हैं आज के टाइम जो फिटनेस इंप्रूव हुई है वो हमारा एक चीज है कि उसे हमें मेंटेन करना है और कितना बेटर कर सकते हैं, वो इंप्रूवमेंट का एंड तो कुछ भी नहीं होता है, तो कि हमें अपनी फिटनेस को इंप्रूव करते रहना है क्योंकि फिटनेस की वजह से आज परफॉर्मेंस आ रही है। और गिव एंड गो हॉकी जो है वो फिटनेस की वजह से ही है कि हमारी हॉकी पहले से स्पीड आई है हॉकी में, तो हमें वो चीजें कंटिन्यू उन चीजों पे काम करना है। और ऑस्ट्रेलिया एक अच्छी टीम है तो हम उनके अगेंस्ट इन्हीं चीजों पे खेलना चाहेंगे कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। राइट, और स्किल्स और टैक्टिक्स तो चलिए एक जगह हम रख देते थे, बट इतने लंबे टूर में जब आप जाते हो आपको पता है बैक ऑफ द माइंड आपका इसलिए टीम्स भी चलता रहेगा कि आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है, तो मेंटल टफनेस कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप चलो एक खराब मैच चला गया आप सल्किट ना करो, या एक दिन अच्छा प्रैक्टिस नहीं किया तो आप सल्किट ना करो, वो क्लैरिटी ऑफ थॉट कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेफिनेटली बहुत जरूरी है, और आज के स्मार्ट स्पोर्ट में तो बहुत जरूरी है कि आज इतना मतलब आप एक गलती को या एक चीज को आप लॉन्ग टाइम तक कैरी नहीं कर सकते, वो फिर आप पे आपके साथ, और एक टीम प्लेयर है तो आपके साथ साथ पूरी टीम को इफेक्ट पड़ता है उस चीज का। डेफिनेटली इंडिविजुअल गेम है तो आपका तो उस चीज में अगर आप एक चीज में रह गए तो सिर्फ आपका लॉस होता है उस चीज में, बट टीम प्लेयर अगर मैंने एक गलती को सोचती रही हो तो उसके कारण अगर मैंने पूरा मैच ऐसा निकाल दिया तो मेरी वजह से पूरी टीम को भी सफर करना पड़ता है। और दूसरा हमारा जो कोच है यानी किसको मैंने, वो हमें एक ही मैसेज देती है कि आप गलती पार्ट ऑफ गेम है, जो मैंने ऑलरेडी पहले भी बोला कि वो होगी, कोई भी मैच परफेक्ट नहीं जा सकता, ऐसा नहीं हो सकता, बट आपका उसके बाद सेकंड रिएक्शन क्या है वो बहुत जरूरी है, और उसके लिए हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत जरूरी है। और हमारी माइंडफुलनेस सेशन भी होते हैं कोच के, वो हमें करवाती है, और उससे भी हमें बहुत हेल्प होता है कि समटाइम्स होता है आपको ब्रीदिंग पे कैसे कंट्रोल करना है, इमोशंस पे कैसे कंट्रोल करना है, तो ये तो शायद आज के टाइम सबको पता है, हर एक गेम में बहुत जरूरी है, और इससे बहुत हेल्प भी होता है क्योंकि हमारे अंदर बहुत से थॉट्स आते हैं, आज मैं अच्छा नहीं खेली, कल कोच क्या डिसीजन लेगा, मुझे खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा, मीडिया क्या बोलेगी, इंडिया में अगर कोई मैच देख रहा है वो मुझे कैसे जज कर रहा होगा, ये सब चीजें थॉट्स आना नॉर्मल है, आते हैं, बट उस पे कंट्रोल करना भी उतना ही नॉर्मल है। अगर मैं मैच में हूं तो मुझे सिर्फ वो 60 मिनट के बारे में सोचना है कि ठीक है मैंने कोई चीज अच्छी की है तो उसको भी कंट्रोल में रखना है, कोई चीज अच्छी नहीं हुई है तो नेक्स्ट कैसे करना है, उसमें अपने आप को वापस गेम में लेके आना है। तो हम तो यही एक दूसरे को मैसेज देते हैं कि जो है हम एक फैमिली है, हम एक साथ हैं, हम एक दूसरे के साथ सपोर्ट में है, अच्छा नहीं हुआ तो भी साथ खड़े हैं, अच्छा हुआ तो भी साथ खड़े हैं, तो उससे काफी हेल्प मिलता है एक दूसरे को। इंडियन टीम के सारे प्लेयर्स अपने ऑफ डेज में क्या करते हैं जब आप बाहर रहते हो, इंडिया में नहीं रहते जब आप टूर कर रहे होते हो, तो ऑफ डेज में कैसे रिलैक्स करते हैं सर? ऑफ डे में अगर हम इंडिया से बाहर हैं तो आज जो पिछले 3-4 साल में टीम में जो चेंज आया है वो सब आउटिंग करना बहुत पसंद है, कोई बीच पे जाता है, और मोस्ट ऑफ गर्ल्स शॉपिंग करना बहुत पसंद है, तो अगर आसपास सबसे पहले यही सर्च करते हैं कि शॉपिंग एरिया कौन सा है, मॉल क्या है या जो भी है, वहाँ पे वो सब चीज देखते हैं। और बाकी हम जरूर एक या दो साथ में ऐसा जरूर बनाते हैं कि टीम के पूरी टीम के साथ हमारी आउटिंग हो, उससे पहले अगर हम बात करें तो अगर रेस्ट डे है तो पूरा दिन की रूम में ही निकाल देना है, तो ये हमने अपने अंदर चेंज लेके आए हैं कि हम रूम से बाहर जाते हैं कि आज हमें होटल आना है तो शाम को ही वापिस आना है, तो सुबह निकलते हैं शाम को, तो शॉपिंग और बीच पे या जैसा भी है आसपास जो भी अच्छा होता है, कुछ अगर वहां पे बोला जाता है कि यहाँ की ये चीज फेमस है, ये जगह फेमस है, तो हम एक साथ जाते हैं और वहाँ पे विजिट करते हैं। थैंक यू सो मच सविता फॉर टेकिंग योर टाइम आउट फॉर दिस, एंड ऑल द बेस्ट ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए, उसके बाद एशियन गेम्स के लिए, हमारे तरफ से स्पोर्ट्स के पूरे टीम की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ। थैंक यू सो मच।